हेलो माय फ्रेंड्स, मैं हूँ डीटी जगदीश और आप सबका फिर से एक बार मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम कोविड पेशेंट के लिए एक ब्रेकफास्ट बना के लेके आए हैं। ब्रेकफास्ट रेसिपी बना रहे हैं, बहुत ही सिंपल और हाई प्रोटीन रेसिपी है। जनरली कोविड पेशेंट में हाई प्रोटीन खाना ज़रूरी होता है। अगर कोविड पेशेंट को फास्ट रिकवरी करनी है तो मैक्सिमम हाई प्रोटीन डाइट ले, एक मॉडरेट लेवल पे कार्बोहाइड्रेट्स ले और वेरी लेस फैट ले, और ढेर सारा जूसेस वाटर लिक्विड्स कंज्यूम करें, फ्रूट्स को कंज्यूम करें, थोड़ा बहुत साथ में फाइबर खाए, और डॉक्टर के एडवाइस के हिसाब से जो भी मेडिकेशन है, सिम्टोमेटिक मेडिकेशन है, वो मेडिकेशन साथ में लेते रहे तो डेफिनेटली कोविड पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर हो सकता है। आपने शायद सुना रहेगा कि कोविड पेशेंट को हाई प्रोटीन डाइट की ज़रूरत होती है, लेकिन प्रैक्टिकल शायद आपको पता नहीं होगा, इसलिए मैंने कोविड पेशेंट के लिए, खास कोविड पेशेंट के लिए एक ब्रेकफास्ट बनाया है जिसके अंदर हमने 450 टू 500 कैलोरी और ऑलमोस्ट नियर बाय 40 ग्राम प्रोटीन का इस्तेमाल करके एक अच्छा खासा और बहुत ही कम वॉल्यूम वाला हमने डाइट बनाया है, ब्रेकफास्ट बनाया है। जो इंग्रेडिएंट्स है इनका जो वॉल्यूम बनेगा वो बहुत कम बनेगा, लेकिन उसमें से आपको ढेर सारी कैलोरीज मिलेगी और बहुत सारा प्रोटीन मिलेगा। अगर कोविड पेशेंट खाता भी है ये ब्रेकफास्ट, उसको लगेगा भी नहीं कि उसने ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लिया, मतलब वेरी स्मॉल क्वांटिटी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज मिलेगी। जनरली आपका जितना वेट होता है उसके हिसाब से आपको प्रोटीन खाना ज़रूरी होता है। अगर आप मान लो, चलो आपका वेट 60 kg है, एवरेजली वेट आपका 60 kg है, तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन खाना ज़रूरी होता है नॉर्मल हेल्थ पर्सन को। लेकिन कोविड केस में क्या होता है, आपको हाई प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो कोविड केस में इनको ऑलमोस्ट 1.5 ग्राम, मतलब 1.5 ग्राम के आसपास इनको पर बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन खाना ज़रूरत है। अगर कोई बंदा, चलो मान लिया कोविड पेशेंट 60 kg का है, उसका एवरेज वेट 60 kg है, तो उसको ऑलमोस्ट 80 to 90 ग्राम का प्रोटीन खाना पड़ेगा। अगर आप 80-90 ग्राम का प्रोटीन अगर नहीं खा सकते, हो सकता है कुछ केसेस में अगर ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं तो हेडेक आने के चांसेस होते हैं, हेडेक होता है या थोड़ा सा नॉजी या फील होता है, डाइजेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है या कॉन्स्टिपेशन में थोड़ा इश्यूज आते हैं, लेकिन कोविड पेशेंट को ओवरऑल 70-80 ग्राम प्रोटीन खाना ही है एनी कंडीशन, मतलब जो नॉर्मल एवरेज 60 ग्राम का जो एवरेज है उससे आपको ऑलमोस्ट 20-25 ग्राम प्रोटीन ज़्यादा खाना है, और उसी बेस पे हमने ये ब्रेकफास्ट बनाया है। तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरा ब्रेकफास्ट पसंद आएगा। तो चलो हम देखते हैं ब्रेकफास्ट में हमने क्या क्या बनाया और कैसे बनाया। सबसे पहले आपको 150 या 200 ग्राम का पनीर क्यूब लेना है और इसको कद्दूकिस कर लेना है। पनीर में आपको ढेर सारा प्रोटीन मिल जाएगा, ऑलमोस्ट 100 ग्राम पे आपको 14 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, और ये डाइजेस्टिव प्रोटीन रहेगा बहुत इजीली, और कम वॉल्यूम में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन मिलेगा। कोविड पेशेंट में क्या है, फीवर होता है और फीवर की वजह से वीकनेस आ जाता है, कई पेशेंट के मुंह में टेस्ट चली जाती है, कुछ भी खाओ कड़वा सा लगता है, तो कोविड पेशेंट ज्यादा खा नहीं सकता, उसको खाने का दिल नहीं करता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको ऐसे प्रोटीन चूज करना है जिसमें आपको कम मात्रा, जो उसका क्वांटिटी रहेगा कम रहेगी, लेकिन उसके साथ हमें ढेर सारा प्रोटीन मिल जाएगा। तो उसके लिए हमने ये पनीर चूज किया है। पनीर का एक ऑलमोस्ट 150 से 200 ग्राम का आप क्यूब ले लो, इसमें से हमको ऑलमोस्ट हमें 20 ग्राम के आसपास, मतलब 20 से लेके 25 ग्राम तक हमको प्रोटीन मिल सकता है ओनली पनीर के क्यूब से। पनीर को पूरी तरह से कद्दूकिस कर लीजिए और इसके अंदर हम डालेंगे चटनी, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक, और साथ में 1/2 टीस्पून क्यूमिन सीड का पाउडर डालेंगे। क्यूमिन सीड्स यानी जीरा पाउडर, जीरा पाउडर फीवर को कम करने में हेल्प करती है और शरीर के अंदर जितने भी फ्री रेडिकल्स है इसको बाहर निकालने में हेल्प करती है। तो हमने 1/2 टीस्पून क्यूमिन सीड डाल दिया। अगर आपको थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन है तो आप थोड़ा सा अजवाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट में ऑलमोस्ट 1/2 टीस्पून हम घी डाल देंगे और इनको सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी से हमें अच्छा खासा एनर्जी मिल जाएगा और डाइजेशन में इंप्रूवमेंट हो सकती है। इस पूरे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हमने सैंपल बेस पे एक ही पराठे का घोल बनाया है, अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसको लड्डू जैसा बना लीजिए। उसके बाद नॉर्मल चपाती का आटा लेके उसका दो बना लें, जैसे हम चपाती बनाते हैं उसे, एक चपाती का दो लेके उसको अच्छे से हाथों से फ्लैट बना लीजिए, और फ्लैट बनाने के बाद उसके अंदर हम ये पनीर का घोल डाल देंगे। जैसे हम समोसा बनाते हैं या मोदक बनाते हैं वैसे ही हम इसको बनाएंगे, और इसका हमने मुंह क्लोज कर दिया और इसको हम अभी बेलन से चपटा कर लेंगे। बहुत ही आसान और इजी प्रिपरेशन है, बहुत कम समय में हो जाएगा। फ्लैट करने के बाद इसके ऊपर हम फिर से एक बार 1/2 टीस्पून घी ऊपर से लगाएंगे। इनवेल गैस पे भी हम एक तवा रख देंगे और तवे पे भी हम घी लगाएंगे। ओवरऑल हम ऑलमोस्ट 2 टीस्पून घी यूज करने वाले हैं। तो जैसे हमने पहले 1/2 टीस्पून पनीर के कद्दू किस में डाल दिया था, 1/2 टीस्पून हम बनने के टाइम में लगाया और 1/2 टीस्पून हमने अभी ये तवा पे डाल दिया, और 1/2 टीस्पून जो है वो हम पूरा रेडी होने के बाद ऊपर से लास्ट में लगाएंगे। ओवरऑल 2 टीस्पून घी में हमें ऑलमोस्ट 100 कैलोरीज मिल जाएगी। पराठे को हम अच्छी तरह से पकने देंगे। कोविड पेशेंट में मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट बन रहा है इसमें ऑलमोस्ट इनको
पराठा खाना है और साथ में 3 एग व्हाइट। और खाना खाने के बाद मतलब ब्रेकफास्ट होने के बाद इनको 1 ग्लास टर्मरिक मिल्क पीना है। पराठा पूरी तरह से पकने के बाद इसके ऊपर हम फिर से 1/2 टीस्पून घी डालेंगे, ऊपर से लगाएंगे। और लास्ट में आपको करना है इसके ऊपर चीज स्लाइस डालना है, ऑलमोस्ट 3 चीज स्लाइस आपको ऊपर से डालने हैं इसके ऊपर। अगर आपके पास अगर चीज का क्यूब है तो आप उसको कद्दूकस के इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 25 ग्राम से लेके 30 ग्राम का चीज क्यूब आप यूज कर सकते हैं। जैसे चीज पिघलने लगेगा समझो आपका ये जो पनीर पराठा है रेडी हो चुका है खाने के लिए। तो ये था हमारा पनीर और चीज मिला के जो हमने पराठा बनाया है। ओवरऑल अगर हम इसका कैलोरीज कैलकुलेट करते हैं तो हमें एक पराठा ऑलमोस्ट हमारा 150 ग्राम कैलोरी का बन रहा है। 2 पराठा से ऑलमोस्ट हमें 300 कैलोरीज मिल जाएगी। और साथ में हम इसके साथ जो एग्स खा रहे हैं इसमें से हमें ऑलमोस्ट 140 ग्राम कैलोरीज मिल जाएगी। और साथ में हम जो टर्मरिक मिल्क ले रहे हैं इसमें से हमें ऑलमोस्ट 40 ग्राम की कैलोरीज मिल जाएगी। अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसमें से हमें 450 टू 500 कैलोरी का ये हमारा ब्रेकफास्ट बन रहा है। ये हो गया हमारा कैलोरीज का कैलकुलेशन। अगर हम प्रोटीन को कैलकुलेट करते हैं तो जो हमने जो 2 पराठा बनाए उसमें से हमें ऑलमोस्ट 20 से लेकर 24 ग्राम तक हमें प्रोटीन मिल जाएगा। और जो हम इसके साथ में जो 3 अंडे खा रहे हैं इसमें से हमें ऑलमोस्ट 18 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है। और जो हमने मिल्क कंज्यूम किया उसमें से हमको ऑलमोस्ट 3 to 4 ग्राम का प्रोटीन मिल सकता है। हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो ओवरऑल हमें ऑलमोस्ट 40 to 40 ग्राम के आसपास हमें प्रोटीन मिल रहा है ओनली फ्रॉम ब्रेकफास्ट। ये हो गया ओनली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का। अगर आप लंच करते हो, डिनर करते हो और साथ में जो इंटरवल्स है उसके साथ में अगर आप कुछ कंज्यूम करते हैं तो आप आराम से 70-80 ग्राम प्रोटीन आराम से पूरे दिन में खा सकते। दिन का जो है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट उसकी आधी हम ब्रेकफास्ट से ले रहे हैं, ब्रेकफास्ट से कंज्यूम कर लेंगे। तो बचा हुआ जो आधा चीज है, आधा जो प्रोटीन है, ये हम लंच में और डिनर में कवर करेंगे। अगर आप लंच में अगर आप चिकन करी खाते हो, फिश करी खाते हो या सोया चंक खाते हो या साथ में मूंग दाल का कुछ करी बना के चपाती के साथ खाते हो या राइस के साथ खाते हो तो वहां से ऑलमोस्ट आपको एक 20 ग्राम्स आराम से प्रोटीन मिल जाएगा, ओवरऑल प्रोटीन मिल जाएगा। तो लंच में आपको ऑलमोस्ट 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, ब्रेकफास्ट में ऑलमोस्ट हमने 40 ग्राम प्रोटीन ले लिया और हम डिनर में क्या करेंगे 20 ग्राम कवर कर लेंगे। तो हमारा ओवरऑल ऑलमोस्ट 80 ग्राम का जो रिक्वायरमेंट है पर डे का रिक्वायरमेंट है, कोविड पेशेंट का जो रिक्वायरमेंट है वो इजीली कवर हो सकता है। रात में आप हो सके तो क्या कर सकते हो, थोड़ा सा सॉफ्ट और वेल कुक ऐसा कुछ खा सकते हो जिसमें आप खिचड़ी, मान लो फॉर एग्जांपल खिचड़ी खा सकते हो, आप सोया मिक्स करके खिचड़ी खा सकते हो या पनीर डाल के खिचड़ी खा सकते हो या आप चिकन डाल के भी पुलाव बना सकते हो या वेज पुलाव बना सकते हैं। और पूरे दिन के लिए बहुत सारा पानी पीना है, बहुत सारा लिक्विड्स लेना है, वो आप ORS ले सकते हो, कोकोनट वाटर ले सकते हो और फ्रूट जूस ले सकते हो, ऑरेंज जूस, लेमन जूस, बटर मिल्क, जो जो आपको पॉसिबल है कोविड के लिए जो जो अलाउ है वो सारे ड्रिंक्स आप ले सकते हो। आप पूरे दिन के लिए जितना वाटर कंज्यूम करेंगे उतना जल्दी आप रिकवर होंगे और आपको ढेर सारी रेस्ट लेनी है। ये हो गया आपका ओवरऑल मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट। मैं आशा करता हूँ आपको ये ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।